सबसे बड़े जो हैं दादाजी वो आपकी साइड ले रहे हैं फिर भी इस बारे में? थैंकफुली, नहीं तो क्या करती मेघना। दादाजी का ऐसा है कि वो सही के साथ होते हैं। अब दादाजी ने पूरी बात सुनी, समझी, उन्हें लगा कि बहू ने कुछ गलत नहीं किया है इसमें, तो उन्होंने साइड ली। अच्छा, नैना, आई थिंक उनके जो ससुर हैं, आपके ससुर जी, वो आपकी मॉम को इंसल्ट करने का, तो उसकी क्या वजह? अब ये बात तो सभी जानते हैं कि इनके जी निर्मला जी को उस किसी लायक समझते नहीं, किसी भी लायक नहीं समझते हैं। मतलब ना वो पार्टीज़ में ले जाने लायक है, उनको लगता है कि उनका उनके चॉइसेस भी ठीक नहीं है, या बात करनी नहीं आती उन्हें, तो वो कभी भी उनकी इज्जत उन्होंने की नहीं। तो इसमें नया तो कुछ नहीं है कि उन्होंने इंसल्ट कर दी। तो यही है मेरे और नैना का, दोनों का अब यही मोटिव हो गया है कि भाई आगे अभी अपनी सास को इज्जत दिलाई जाए। और मेरा तो होली के दिन जो मैंने कसम ली थी, होली की रात, होली दहन के टाइम, होलिका दहन के टाइम पे, कि अपनी सास को वो सम्मान दिलाऊंगी और उनकी बेइज्जती अब और नहीं होने दूंगी। तो बस वही है कि वो इज्जत करते नहीं और हम पीछे पड़े कि हम बस उन्हें अब इज्जत दिलाएंगे। ये कैसे हो गया? ये कोई बात होती है? हाँ, मायके जाने से थोड़ी बात बढ़ गई, जो प्रॉब्लम था उसमें ऐड ऑन हो गया। एक्चुअली पिछले कई दिनों में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ है नैना की लाइफ में, नैना और हमारी जो सास है निर्मला जी, उनके बीच में कुछ ऐसी बात हुई जो चीज़ पापा को पसंद नहीं आई, और मेरा अलग जो ट्रैक चल रहा है ऑफिस का, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ। और मैंने होली पर ये कसम तो ली थी कि अब निर्मला जी को वापस, मेरी सास को वापस वो सम्मान दिलाऊंगी और उनकी अब बेइज्जती नहीं होने दूंगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा और उन्हें उनकी जगह दी जाएगी। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अभी पापा को पता चला है और जिससे वो खुश नहीं है। तो उसमें एक चीज़ ये ऐड हो गई कि बहू अपने मायके गई और उसने किसी को बताया नहीं, तो तमाशा हो गया फिलहाल। तो फैमिली में सबसे बड़े जो हैं दादाजी वो आपकी साइड ले रहे हैं फिर भी इस बारे में? थैंकफुली, नहीं तो क्या करती मेघना। दादाजी का ऐसा है कि वो सही के साथ होते हैं। अब दादाजी ने पूरी बात सुनी, समझी, उन्हें लगा कि बहू ने कुछ गलत नहीं किया है इसमें, तो उन्होंने साइड ली। अच्छा, नैना, आई थिंक उनके जो ससुर हैं, आपके ससुर जी, वो आपकी मॉम को इंसल्ट करने का, तो उसकी क्या वजह? अब ये बात तो सभी जानते हैं कि इनके जी निर्मला जी को उस किसी लायक समझते नहीं, किसी भी लायक नहीं समझते हैं। मतलब ना वो पार्टीज़ में ले जाने लायक है, उनको लगता है कि उनका उनके चॉइसेस भी ठीक नहीं है, या बात करनी नहीं आती उन्हें, तो वो कभी भी उनकी इज्जत उन्होंने की नहीं। तो इसमें नया तो कुछ नहीं है कि उन्होंने इंसल्ट कर दी। तो यही है मेरे और नैना का, दोनों का अब यही मोटिव हो गया है कि भाई आगे अभी अपनी सास को इज्जत दिलाई जाए। और मेरा तो होली के दिन जो मैंने कसम ली थी, होली की रात, होली दहन के टाइम, होलिका दहन के टाइम पे, कि अपनी सास को वो सम्मान दिलाऊंगी और उनकी बेइज्जती अब और नहीं होने दूंगी। तो बस वही है कि वो इज्जत करते नहीं और हम पीछे पड़े कि हम बस उन्हें अब इज्जत दिलाएंगे।